विधानसभा चुनाव को लेकर दो दिवसीय दौरे पर झाबुआ पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा लेने के साथ ही भाजपा पर जमकर हमला किया। दिग्विजय सिंह ने इशारों में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि राजा महाराजा तो बिक गए लेकिन हमारा आदिवासी विधायक नहीं बिका। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस भाजपा सहित सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह दो दिवसीय दौरे पर झाबुआ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने झाबुआ में डॉक्टर विक्रांत भूरिया और पेटलावद में कांग्रेस प्रत्याशी वाल सिंह मीणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए जहाँ उन्होंने 15 महीने की कमलनाथ सरकार की तारीफ की तो वही भाजपा सरकार पर जमकर बरसते नजर राय है। जनसभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि राजा महाराजा बिक गए परंतु हमारे गरीब आदिवासी विधायक नहीं बिके। उसका चुनाव होने जा रहा है और आपको तय करना है कि सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की। बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी पार्टी के उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, लेकिन इनकी सरकार नहीं बन सकती। सरकार तो कांग्रेस की बनेगी या भाजपा की भी बन सकती है, लेकिन 2003 से लेकर आज तक भाजपा की सरकार बनी, 2018 में हमारी सरकार बन गई थी, लेकिन सवा साल के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायकों को खरीद लिया। देखने में आया कि राजा महाराजा तो बिक गए लेकिन आदिवासी विधायक नहीं बिका। ये बाल सिंह के पास भी लोग आए थे, 25 करोड़ ले लो, 30 करोड़ ले लो, 35 करोड़ ले लो। इसने कहा कि मैं आदिवासी हूं, ईमान नहीं बेच सकता। ये ताकत है आदिवासी भाइयों। अब ये बदनावर से पास में है, 40 किलोमीटर। अब वहां के राजा साहब दत्ती गांव को क्या कमी थी, क्यों चले गए, क्यों बिक गए? पैसे की लालच। और आज ये उस पार्टी में है जो इनके कभी सगी नहीं हो सकती। क्या नहीं दिया दत्ती गांव दरबार? पुराने प्रेम सिंह जी के जमाने से लेकर आज तक हमेशा इस परिवार का सम्मान किया। सिंधिया जी को क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने? सम्मान पूरा दिया। बात यही है, हम लोग जुटते हैं विचारधारा के साथ। कांग्रेस के साथ हम क्यों हैं? क्योंकि कांग्रेस गरीबों के बारे में सोचती है, किसान और मजदूरों के बारे में सोचती है। आजादी किसने दिलाई? कांग्रेस ने। आदिवासी और दलित और जो जाति जनजाति को आरक्षण किसने दिलाया? कांग्रेस ने। आपके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, वजीफा दिया, छात्रवृत्ति दी, कांग्रेस ने। आपको पंचायत में, विधानसभा में, लोकसभा में किसने आगे बढ़ाया? कांग्रेस ने। आपको जमीनों को पट्टा किसने दिया? कांग्रेस ने। आपके आवास के पट्टे किसने दिए? कांग्रेस ने। आपके बच्चों को नौकरी किसने दी? कांग्रेस ने। भाजपा ने क्या दिया? जो आपका अधिकार था वो छीन लिया। पट्टे बटे थे, कई जगह पट्टे कैंसिल करा दिए भाजपा के लोगों ने। गरीबों के जमीनों पे कब्जा कर लिया और पूरे तरीके से हमारे आदिवासी भाइयों के हित में जो बजट था, 5000 करोड़ का बजट आदिवासी विकास के लिए आता है, वो सारा पैसा कहीं तो इंदौर की मेट्रो ट्रेन बनाने में लगा दिया, कहीं और किसी में लगा दिया,
आदिवासियों का हक भारतीय जनता पार्टी ने मान दिया। इस देश में 2014 से लेकर 23 तक बड़े बड़े उद्योगपतियों के 25 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ है, 25 लाख करोड़। और ये किनका कर्जा माफ हुआ? बड़े बड़े लोगों का, लेकिन गरीबों का कर्जा 1 रुपए भी भारतीय जनता पार्टी ने माफ नहीं किया। वही मीडिया से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह ने झाबुआ की सभी 3 सीटों के साथ प्रदेश में 130 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया। बहुत ये चुनाव महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अन्याय अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये चुनाव में ध्यान भटकाने के लिए अलग अनेक बातें ये लोग करते हैं। इसलिए साथियों, लोगों को ध्यान भटकाने की आवश्यकता नहीं है। बदलाव आम जनता को मानिए, बदलाव होगा और सरकार को इसकी वजह। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के साथ पैट लावत कांग्रेस प्रत्याशी वाल सिंह मीणा, कांग्रेस पदाधिकारी सहित हजारों की संख्या में आमजन मौजूद रहे। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।